पंजाब में बड़ा नौजवानों को पहले आतंकवादी कहकर मारा गया जी, और हरियाणा में जाटों को क्या कहा गया, बलात्कारी कहकर मारा गया जी। ये कोई दलित समाज के लोग आंदोलन करेंगे उसको नस्लवादी बोलेंगे जी। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हमारा जोश बढ़ेगा, जैसे जैसे जो ऊपर वर्ग है जो तीन उन्हीं से बाबा नानक की लड़ाई जी, बाबर को जाबर कहा गया, मर्द बाबू की खाना नहीं खाया गया जी। तो वो पहले दिन जनेऊ नहीं पहना ब्राह्मण से, तो अब तीनों लोगों की सत्ता को तोड़ने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये कौन है जी? ये सारा शूद्र वर्ग इकट्ठा हुआ, सारा शूद्र। और आज हम सभी शूद्र वर्ग इकट्ठे हुए हैं, तो ये लड़ाई गुजरात के चंद व्यापारी और सामने पूरा भारत जी, ये लड़ाई है। ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है रिलायंस और मोदी जी बन चुके हैं इंग्लैंड। जो मोदी की जान है वो ईवीएम में जी, मशीन में है जी, लोकतंत्र में नहीं है जी। इन सभी लोगों को ध्यान हो गया तो इसे अगली लड़ाई ईवीएम के लिए लड़ लेंगे, तो मोदी को वोट पड़ने नहीं है, तो वोट तो मशीन से पड़ते हैं। सच्ची बात यह है, अगला युद्ध हमारा ईवीएम का युद्ध होगा, ये तो हम जीत चुके हैं जी। ये तो सरदार मनिंदर सिंह मान जिहड़े कि बीकानेर तो किसान आर्मी संगठन के मोहतबर ने, तो इन्हों भी गल करते हैं क्योंकि ये भी राजस्थान तो ने, तो मैं सोचता भी इन्हों भी हिंदी में गल की जाए। हाँ जी, मान साहब वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। साहब वाहेगुरू जी की फतह, सरना पाई ने राम राम और टवर। वाह जी वाह, यह हुई है जी वधिया गल, क्योंकि ये मैं देखिया साढ़े मुस्लिम भरा जो आते हैं सिख को सरदार जी देख के सरदार जी सत श्रीकाल जरूर करते हैं, पर साड़ी हिम्मत नहीं पैंती कदे कि असीं उन्हों सलाम वालेकम कह दिए। साढ़े हरियाणवी भरा आते हैं हाँ राम राम बड़े भाई क्या हाल है, साड़ी हिम्मत नहीं पैंती कि असीं भी उन्हों राम राम कह दिए। वो सत श्रीकाल कह देंगे ने सानू, पर साढ़े तो राम राम नहीं कह होंगे। इन्हों शब्दों के हेर फेर में ना उड़ जाओ, क्योंकि इन्होंने शब्दों के फेर में उलझा के मोदी योगी अमित शाह RSS BJP ने सानू वंडिया लुटिया कुटिया, तो पूरा भारत इस वेले उजाड़े के कंडे से आया हुआ। धन्यवाद जी मान साहब, अब आपसे मैं बात करता हूँ कि आप कब से यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में? जब से आंदोलन शुरू हुआ है 26 तारीख से, हम एक दिन पहले ही चल पड़े थे क्योंकि हमारी सफर लंबा था जी, और हमें टारगेट मिला था डबवाड़ी से प्रवेश करना है जी, और एक दिन हमें पहले निकलना पड़ा और फिर एक रात डबवाड़ी रहे और अगले दिन गाड़ी तोड़ा जी। उसके बाद हम दिल्ली पहुँचे, दिल्ली बॉर्डर पहुँचे जी, और बड़ी संख्या में पहुँचे। लेकिन हमारा संगठन छोटा है, लेकिन हमारा जज्बा पूरा है जी। हमारे मन में ये था अगर किसान का जो संघर्ष है पूरे भारत में है, कहीं सरकार कुछ लोगों का ना बना दे, पंजाब या हरियाणा का ना बना दे, जिससे कि इस संघर्ष को उनको कुचलने को बड़ी आसानी होती है, क्योंकि छोटे एरिए का संघर्ष बना दो और उसको कुचल दो। पहली ये घटनाएं हो चुकी हैं, पंजाब के साथ भी हो चुकी है, हरियाणा के साथ भी हो चुकी है। पंजाब में बड़ा नौजवानों को पहले आतंकवादी कहकर मारा गया जी, और हरियाणा में जाटों को क्या कहा गया, बलात्कारी कहकर मारा गया जी। ये तो सरकार की पॉलिसी है, जो अगर कोई दलित समाज के लोग आंदोलन करेंगे उसको नस्लवादी बोलेंगे, अलग अलग लोगों का अलग अलग टैग दे रखा है, और उनको एक स्टेट में टिकट करके उनको मारा जाता है और दूसरे स्टेट के वोट ले लिए जाते हैं। ये सरकार की पॉलिसी है, इसीलिए हमने सोचा हमारे भाई लड़ रहे हैं, हमें भी मैदान जंग में होना चाहिए, और हम अपनी पूरी शक्ति से मैदान जंग में हैं और कंधे से कंधा मिला के साथ गए हैं, और हमारे ज्यादातर साथी गए नहीं क्योंकि यहाँ लोगों के पास ट्रालियाँ थी, हमें वो कंसेप्ट नहीं पता था, तो हमने सोच लिया हमने तंबू गाड़ लिए, पक्के तंबू गाड़ लिए, हमारे उसी दिन से हम यहीं टिके हुए हैं जी। दो डिग्री तक टेम्परेचर आ जाता है रात को, मैंने सुना है रात को 12 बजे तक, तो इतनी ठंड में यहाँ पर छोटे बच्चे से लेके 80-90 साल की उम्र के बुजुर्ग भी पहुँचे हुए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सर्दी है ये उनके चाप को कहीं ना कहीं कम करेगी, उल्टा बढ़ाएगी? देखो जब जब जुल्म होगा जी, तब तब आदमी की सहन शक्ति बढ़ती है जी। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हमारा जोश बढ़ेगा, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी हमें लड़ने की ताकत बढ़ेगी, और हम ज्यादा दम से लड़ेंगे, और सरकार को यह एहसास नहीं है किन लोगों से पाला पड़ गया। हम किसान लोग रात को 2 बजे पानी की बारी है जी, तो हमारे जैसे उदाहरण को 7 दिन में पानी पड़ता है, और 7 दिन में सभी किसान एक दिन तो ठंड में रहते रहते हैं, और वही गर्मी वाली बात है, जेठ और हाड़ के महीने में कणक निकलती है, वो भी 2 महीने गर्मी में निकलते हैं, तो किससे पंगा ले रही है सरकार? या तो सरकार ने किसानों के बारे में पढ़ा नहीं है कैसे लोग हैं, या उसने जो उनके CID वालों ने गलत बता दिया, क्यों CID वाले भी सोचते होंगे ऐसी निकम्मी सरकार से पाला छूट जाए, रिपोर्टें गलत दे दो और ये फंस जाए, और सरकार झांसे में फंस गई है। और जो बात अभी एडवोकेट मनोज मोदी बोल के हैं कि कॉर्पोरेट धराओं का उनके ऊपर प्रेशर है, देखो ये तो लड़ाई शुरू से चल रही है जी। देखो ये
तो वो जो ऊपर वर्ग है जो तीन उन्हीं से बाबे नानक की लड़ाई हुई, बाबर को जाबर कहा गया, मर्द बागों की खाना नहीं खाया गया जी। तो वही जो और पहले दिन जनेऊ नहीं पहना ब्राह्मण से, तो अब भी वही है ना लोग, वही तीन लोगों की सत्ता, और तीनों लोगों की सत्ता को तोड़ने के लिए जो लोग इकट्ठे हुए हैं ये कौन है? ये सारा शूद्र वर्ग इकट्ठा हुआ। देखो अगर वो उस कंसेप्ट पे चले पुराने पे, लुटेरा वर्ग और शूद्र वर्ग, और आज हम सभी शूद्र वर्ग इकट्ठे हुए हैं, तो लगता है इस बारे में अच्छी तरह सबक सिखा देंगे। और एक लड़ाई और है जो सीधी सीधी डायरेक्ट समझाएगी, गुजरात के चंद लुटेरे व्यापारियों व्यापारी वर्सेस पूरा भारत, ये लड़ाई गुजरात के चंद व्यापारी और सामने पूरा भारत, ये लड़ाई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुकी है रिलायंस, और मोदी जी बन चुके हैं इंग्लैंड, मोदी जी अंग्रेजों का राज चला रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी रिलायंस बन गई है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, उसी तरह हमें भी युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेशर्म हो चुके हैं, उन्हीं से ये सीखा है, सारा सरमाया लूट रहे हैं। एक फर्क है अंग्रेजों से और इससे, अंग्रेजों ने रेलवे बनाई हमारे दुश्मन होते हुए भी, उन्होंने यहाँ विकास करवाया, और ये हमारे ही होते हुए रेलवे भी बेची और सारा भारत बेचा, जो तो अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। तो इसलिए हमें खूब दम से युद्ध लड़ना पड़ेगा जी जी। ये मैंने तो सारे ये सोचा है, और ये सारे ये लोग हैं, और इसमें एक बड़ा फायदा हुआ जी। देखो हमारे राजस्थान के, पंजाब के और हरियाणा के जो किसान थे, उनके आपस में दूरियां बढ़ाई थी सरकार ने, थोड़े से मुद्दे पर लेके दूरियां बढ़ जाती थी, लेकिन आज इतना उनका प्यार है, सब्जी एक बनाता है और खाना दूसरा लेके आता है, कोई किसी को दूध बांट रहा है, कोई किसी को लकड़ी बांट रहा है, ये तो प्यार इतना बड़ा हो गया ना। जो मोदी सोच रहा था मैं इनको चित कर लूंगा, चित नहीं कर पाएगा, नया आंदोलन और शुरू होने वाला है, क्योंकि जो मोदी की जान है वो ईवीएम में जी, मशीन में है जी, लोकतंत्र में नहीं है जी। इन सभी लोगों को ध्यान हो गया, तो इसे अगली लड़ाई ईवीएम के लिए लड़ लेंगे, तो मोदी को वोट पड़ने नहीं है, तो वोट तो मशीन से पड़ते हैं। सच्ची बात यह है, अगला युद्ध हमारा ईवीएम का युद्ध होगा, ये तो हम जीत चुके हैं जी। ये तो उनको देखना है, हमें 2 महीने बैठाना है, 3 महीने बैठाना है, 4 महीने बैठाना है, और हम भी तैयार है। और कई मेरे एक दो साथी कहते थे, भाई साहब जब फैसला होना तो किसान जथेबंदियों को ये जरूर कहना है, हमारी जिस दिन मांग पूरी हो गई उसके बाद भी हम 1 महीना बैठेंगे, क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा जाने जी। 1 महीना और हमें लेके दो यहाँ बैठे, तो यहाँ आनंद ही आनंद है भाई साहब, पूरा प्रेम है, लोगों का भाईचारा है, और एक लड़ने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। और हमारे साथी जो जहाँ आए हैं ना, अपने बातों हमने सब में बीमा करवा लिया था, घर वालों को कह दिया था, हमने सबने लिस्ट बना के बीमा करवा लिया था, और जो हिसाब किताब था वो दे आए थे, भाई हम आए या ना आए हमारे बच्चे को बीमा मिल जाएगा, तो लेन देना भैया तुम आप कर रहे हैं, ये हम सब कर से कह के आए हैं, और हमें कोई भी चिंता नहीं है। यहाँ भी गोली होगी, राजस्थान वाले फ्रंट पे खड़े मिलेंगे, क्योंकि हमारे संगठन का नाम भी किसान आर्मी है, और डबवाड़ी वाला बॉर्डर हमने तोड़ा था सबसे पहले आगे बढ़कर, जो जो बाधा आएगी हम तोड़ेंगे, क्योंकि गुरु साहब का सब पर आशीर्वाद, सब पर, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई सब प्रेम है। जो गुरु साहब के जो कंसेप्ट था ना, नीचा अंदर नीच जात नीच मत नीच, नानक जिनके संग साथ बढ़िया सो क्या, यहाँ सारे नीच लोग आए हुए जी जी, और हम उनके साथ हैं जी जी, और गुरु नानक का ये हमारे साथ है, तो हारने का कोई मतलब नहीं है, जीतेंगे, जितना जितना लेट जीते हम उतना अच्छा। कई बार तो मैं अरदास करता हूँ, तो मीटिंग होती है ना किसानों की, यार आज फैसला ना हो तो झुक जाए, क्योंकि इससे पूरा भारत जाएगा, इससे पूरा भारत जाएगा, पूरे स्टेट जा जाएंगे। और जो इन्होंने 100 साल में अपना एक झूठ का प्रसारा शुरू किया है राजस्थान में जी, वो 2 महीने में धुल जाएगा, और धुल गया जितने दिन और बैठेंगे धुल जाएगा, तो जो इनका झूठ ज्यादा नहीं चलेगा। इसलिए पूरी प्रभु की मेहर और बड़ी खुशी है, यहाँ इतने प्रेम से लोग रहे, कोई परेशानी नहीं है, प्यार ही प्यार है, चारों तरफ अमृत धारा बरस रही है, अच्छी बात।